नमस्कार मित्रों, टिप्स ऑफ द डेज मेरी नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टिप सूर्य और शनि के संबंधों पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य और शनि को नेचुरल शत्रु माना जाता है, मतलब वो एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक शत्रु होते हैं। तो सूर्य कारक होता है हमारे शरीर में हड्डियों का, बोन्स का। तो जब कभी भी सूर्य शनि के द्वारा दृष्ट हो, तब जातक को कोई न कोई हड्डियों से रिलेटेड समस्या से दो चार होना पड़ता है, या हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। साइन जहां पे सन बैठा हो वो जो है इंडिकेट करता है कि जातक किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड हड्डियों में परेशानी का सामना करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर राशि को एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट अलॉटेड किया गया, एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट से वो संबंध रखते हैं। तो सूर्य जिस राशि में बैठा हो और शनि जब उस राशि को देख रहा हो और सूर्य को देख रहा हो, तो उस राशि से संबंधित बॉडी पार्ट्स में जो है, उस राशि से संबंधित बॉडी पार्ट्स के हड्डियों में प्रॉब्लम की संभावना ज्यादा रहती है। साथ ही साथ जिस भाव में सूर्य बैठा हो उस भाव से संबंधित बॉडी पार्ट्स में भी इन्फेक्शन या उस भाव से संबंधित बॉडी पार्ट से रिलेटेड अंग जो होते हैं उनसे संबंधित हड्डियों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि सूर्य जब भी शनि से दृष्ट हो तो हड्डियों में परेशानी, हड्डियों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। और राशि जो है, कौन से बॉडी पार्ट से संबंधित हड्डियों में परेशानी होगी, इसका इंडिकेशन देता है। साथ ही जो है भाव, जिस भाव में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है उस भाव से रिलेटेड बॉडी पार्ट से संबंधित हड्डियों में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशा करता हूँ टिप्स ऑफ द डेज मेरी नई सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरे टिप्स को पसंद करें तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।